नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग जिस विषय पर वार्ता करेंगे वह है कुंडलनी ध्यान, कुंडलनी शक्ति। जैसा आप सबको पता है, ध्यान साधकों को सब पता है कुंडलनी शक्ति क्या होती है। हमारे मूलाधार यानी जो हमारा लिंग और गुदा का भाग है, इसी के आसपास एक शक्ति है जो सर्प की भांति कुंडली मार कर बैठी। इसी शक्ति को हम लोग कुंडलनी शक्ति के नाम से जानते हैं। इसको सक्रिय करना, इसको जगाने का नाम ही कुंडलनी ध्यान। ये साधना थोड़ी कठिन साधना है, ये साधना थोड़ी आप ये बोल सकते एडवांस लेवल की है। तो जो साधक थोड़ा ध्यान साधना पहले किए हैं वो लोग ही साधना कर सकते हैं, नहीं तो साधना से कोई दिक्कत नहीं लगेगी लेकिन बात उनके समझ में आएगी नहीं। तो कुंडलनी ध्यान विधि होती क्या है, कैसे किया जाए, तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए चर्चा आरंभ करें। सबसे पहले जो साधक है अगर वो कुंडलनी ध्यान विधि करना चाह रहा, कुंडलनी ध्यान साधना करना चाह रहा है, तो उसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला उठना पड़ेगा। यह कालखंड इस ध्यान विधि के लिए बहुत उपयुक्त है। उसके बाद साधक को ते ही बिस्तर से आप अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत अच्छा होगा स्नान इत्यादि कर ले, अगर नहीं होता तो हाथ पैर धुल करके अच्छे से आप बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, आपको खाली पेट होना चाहिए, कुछ खाया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली पेट। अब आपको यहां पर बैठने के बाद सबसे पहले आप अपने हर एक अंग को सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हरकत दे दे, सर से पांव तक 15-20 मिनट हरकत देने के बाद आप प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद अब आपको सुखासन में बैठ जाना, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेना, यानी कि हथेली को अपने दोनों और की जो घुटने उस पर रखो और आंखों को बंद कर लीजिए। अब आंख को बंद करने के बाद आपको सबसे पहले कुछ देर हमिंग करना है, जिस प्रकार भोरे की आवाज होती है, मुख बंद करके सांस लेना है और सांस को हुम करते हुए नाक से निकालना है। इस क्रिया को कम से कम 2 से 3 मिनट करना। 2 से 3 मिनट करने के बाद अब आप अपना पूरा फोकस अपने मूलाधार चक्र पे ले जाएं। मूलाधार चक्र का स्थान कमर के रीढ़ की हड्डी में आपके गुदा और लिंग के बीच में, यानी कि गुदा से थोड़ा से ऊपर मूलाधार का स्थान है। अपना फोकस यहाँ पर ले जाएं और मूलाधार का बीज मंत्र हम का जाप करें। हम 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 हाँ। इस प्रकार से लगातार मूलाधार के मंत्रों का 3 से 4-5 मिनट तक जाप करें। इसके बाद अब अपना पूरा फोकस अपने स्वाधिष्ठान चक्र लगाएं। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान आपके रीढ़ की हड्डी जहां पर लिंग के जस्ट पीछे वाले स्थान पर होता है, यहां पर पूरा फोकस करें और स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र ओम का जाप करें। वा को लंबा बोलना है, वंग और मा बोलते समय ओठ बंद कर देता है, किसी भी मंत्र में लम हम जो भी मंत्र हो। वाम इसके बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहां भी मंत्र का जाप करने के उपरांत आप मणिपुर चक्र पर आएंगे। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है, यहाँ पर पूरा फोकस रखते हुए रम जो अग्नि का बीज मंत्र है उसका जाप कीजिए। राम इस प्रकार से इसको जाप करिए कम से कम 3 मिनट 4 मिनट। इसके बाद अब आप अनाहत चक्र, आपका हृदय चक्र जो आपके दोनों चेष्ट के बीच जहां से आपका पेट शुरू होता वहीं के आसपास थोड़ा सा ऊपर उस
यानी छाती से जो आपके निप्पल उससे नीचे और पेट से थोड़ा से ऊपर, यहाँ पर इसका स्थान होता है। तो यहाँ पर यम का जाप करते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ आप यहाँ पर ध्यान करें और यम का जाप करें। याम याम याम। इसको 3 से 4 मिनट जाप करने के बाद अब आप विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र, गले के जो आपकी उठा हुआ गला का भाग होता है उसी के जस्ट पीछे, गले के पीछे ध्यान लगाएं और हम का जाप करें। हम हम। इसके 2-3 मिनट इधर जाप करने के बाद अब आप आज्ञा चक्र दोनों भौवें के मध्य सीधा पीछे आपका यहाँ पर आज्ञा चक्र का स्थान होता है, यहाँ पर अपना फोकस बनाएं और ओम का जाप करें। कम से कम 10 मिनट नहीं तो 5-7 मिनट कर नहीं कर। इसके बाद अब आपको सहस्रार चक्र पर जाना है। सहस्रार चक्र जहाँ शिखा रखी जाती बिल्कुल सर के बीचों बीच स्थान पर, यहाँ पर आपको अपना फोकस ले जाना है और इनका मंत्र नहीं होता लेकिन आपको क्या करना है, आ उ म इस प्रकार जाप करना। आ यहां पर ए जाप के करने के बाद अब आप फिर कुछ देर हमिंग करना है। हम हम हम। इस प्रकार हमिंग करें। आप इसको 15-20 दिन करोगे तो आपको अनुभव होगा आपके मूलाधार से कोई शक्ति ऊपर की उठ रही है। धीरे धीरे आपके शरीर को लगेगा कुछ ऊपर की ओर खींच रहा है। हाँ, इसको करना है तो कंटिन्यू करना है, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है, बीच बीच में प्राणायाम अवश्य करना है, केवल इस साधना को नहीं करना है। अगर कुछ इसमें दिक्कत आती है तो पूछ लेना है कमेंट के माध्यम से और किसी एक दिशा निर्देश पे ही कार्य कर। हमें विश्वास है ये दिव्य चर्चा आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।